सॉफ्ट और फ्लफी नान बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं, पर आज मैं आपके लिए आई हूँ इंस्टेंट नान की रेसिपी, जो कि आप शुरू से आखिरी तक 30 मिनट के अंदर आप नान बना के तैयार भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही मजेदार नान, और वो भी हम बनाएंगे स्टोव टॉप पे बिना ओवन के। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इंस्टेंट नान बनाने के लिए हम यहाँ पर मैदा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कप मैदा है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटे का भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ मैं सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, इसलिए लाल दिख रहा है। और इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, हम इसको अलग रख लेंगे। और अब यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया, ये हल्का सा गर्म दूध है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप दही। तो ये खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल दही है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के शुगर। तो आप पिसी चीनी, सादी चीनी किसी का भी यूज कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून तेल। यहां हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से दूध में डिजोल्व ना हो जाए। तो ये देखिए तैयार है, और आइए अब आटा गूंथते हैं। इसके लिए मैंने ये फिर से मैदा लिया है, और हम इसमें क्या करेंगे, बीच में एक होल कर देंगे इस तरह से, और इसमें ये दूध और दही का मिक्सचर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करते जाएंगे। तो पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस आटे को मैंने बिना पानी के ही गूंथा है, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको जरूरत लगे तभी इसमें पानी ऐड करें, नहीं तो ना करें। तो ये देखें आटा भी काफी स्टिकी है। मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लूंगी, जिससे कि इसको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाए। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से, मतलब आप इसको बीच में लाएं आटे को और इस तरह से अच्छे से गूंथें। इससे क्या होगा, इसमें ग्लूटेन आएगा। अगर आपको इस आटे को गूंथने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो सूखा आटा अपने हाथों में लें और उसके बाद इस आटे को गूंथें। तो ये देखें मैंने ये आटा गूंथ लिया है अच्छे से, एकदम सॉफ्ट हो गया है ये। हम इसको ढक देंगे और करीब 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। हाथों में मैं हल्का सा सूखा मैदा लूंगी, जिससे कि ये चिपके नहीं हाथ में। और देखिए इस तरह की जो है हम इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए इसको अंदर इस तरह हमें हल्के से दबाना होगा, जिससे कि इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी। तो ये देखिए, और आइए अब हम इसको बेलेंगे। हम इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगा देंगे, जिससे कि ये चिपके नहीं रोलिंग बोर्ड पे। इसको हाथ से हल्के से इस तरह से दबा देंगे, ये देखें। और इसको हमें बेलना है, तो आप जो भी शेप बेलना चाहे इसका आप बना सकते हैं। मैं आज थोड़ा सा ओवल शेप बना रही हूँ। अब हम इस पे थोड़ी सी ये कलौंजी छिड़क देंगे, या नगेला सीड्स कहते हैं जिसको, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये, मतलब आपको नान खाने का मन हो या कभी गेस्ट आ रहे हो तो आप फटाफट नान तैयार कर सकते हैं। और हम एक बार इसको फिर से बेलेंगे, जिससे कि ये धनिया और कलौंजी है अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाए। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, और अब हम इसको पलट देंगे, देखिए इस तरह से। और पीछे वाले पार्ट पे हम हल्का सा पानी लगाएंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा इसको पानी लगाएंगे, क्योंकि हम इसको गर्म तवे पे चिपकाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर पानी नहीं लगाएंगे तो ये गर्म तवे पे चिपकेगा नहीं। और आइए इसको कुक करते हैं। नान को सेकने के लिए हमें आयरन का तवा चाहिए होगा। आप नॉनस्टिक तवा यूज ना करें, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तवे को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा डालूंगी। ये देखिए एकदम से ब्राउन हो गया है, इसका मतलब हमारा तवा बिल्कुल तैयार है। हम इस पर नान डाल देंगे, तो जिस साइड हमने पानी लगाया था वो साइड नीचे रखना है, और हल्का सा इसको दबा देंगे, जिससे कि हमारी नान जो है सेकते समय नीचे नहीं गिरेगी। और हमें इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक कुक करना होगा, या फिर जब तक इस पे ऊपर से बबल्स ना आने लगे। तो ये देखिए जैसे ही इस पे थोड़े से इस तरह के बबल्स आते हैं, हम आंच को फिर से तेज कर देंगे, और इसको हम पलट के इस तरह से आंच पे सेकेंगे। ये देखिए इसको घुमा घुमा के थोड़ा सा सेकना है हमें, और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बबल्स आ रहे हैं इसपे। तो ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से चिपकाया था, इसलिए गिरी नहीं है। कई बार जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि नान सेकते समय नीचे गिर जाती है, वो सिर्फ इसलिए गिरती है क्योंकि वो ठीक से चिपकी नहीं होती है और तवा ठीक से गर्म नहीं होता है। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है, कितनी बढ़िया से की है, और बहुत अच्छे बबल्स आए हैं। बस यही पहचान है एक परफेक्ट नान बनने की। तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने आराम से बाहर आ गई है, और ये देखिए एकदम परफेक्ट से की है नीचे से भी। हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरह से मैं फटाफट सारे नान तैयार कर लूंगी।
तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट फ्लफी और मजेदार नान बनकर तैयार हुई है। आप इसमें गार्लिक की भी टॉपिंग्स कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव ऑयल लगाएं या फिर इसमें बटर लगा के खाएं, इसका स्वाद और भी मजेदार हो जाता है। ट्राई जरूर करिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।